दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन इंटरव्यू में, जहां पर बहुत सारी चीजों, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को होते हुए देखते हुए आप इंस्पायर हो जाएंगे कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। ऐसी एक लर्नर मेरे साथ जुड़ी है जिनका नाम है अंजू शर्मा। अंजू अभी रिसेंटली एमपीटेट में वर्ग 3 में सेलेक्ट हुई है और बहुत जल्द वो मैडम बन जाएंगी। अब आपके साथ रहकर हमारे साथ जुड़ी वो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंजू ने इतनी परेशानियों के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई मेरे साथ तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं कैसे मैनेज करूं, परिवार को देखूं, क्या देखूं। तो ये एक इंस्पिरेशन है उन सभी साथियों के लिए जो नहीं कर सकते हैं और जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूं, मेरे साथ जुड़ी है अंजू। बहुत बहुत स्वागत है अंजू आपका आज थैंक के यू सर। सेशन यस में। सर। तो सबसे पहले अंजू मुझे ये बताएं, मैं बाद में आऊंगा बाकी बातों पर, आपको जॉब मिली, हालांकि जॉब जब मिलती है वो भी गवर्नमेंट, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आप कैसा फील कर सही रही सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हैं? जैसे मेरा भी शुरू में एक सपना था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिले, जैसे हर किसी का होता है। और जी सर बिल्कुल, परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हैं। और सर ये सब मैं तो मानती हूँ, आप सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है और अन अकेडमी का भी बहुत उठ रहा है। चलिए ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि यहाँ पर जो पूरी टीम आपके साथ जुड़ी, जिसने पूरा आपके साथ मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक शिक्षक रास्ता दिखा सकता है कि भाई बहुत सारे बच्चे थे, हालांकि लगभग मुझे लगा 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट हुए इस बार। तो कंडीशन ये है कि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस राह को चुनता कौन है, उस पथ को चुनता कौन है, क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना। जैसे मैं अंजू के बारे में बहुत विशेष बात कहूंगा, अगर मैं मॉर्निंग में 6 बजे क्लास रखू, 5 बजे रखू, तो अंजू वहां पर होती थी। अगर मैं रात में 10 बजे लगाऊं तो अंजू वहां होती थी। ये सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे खूबसूरत बात अंजू की लगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी है और कोई भी चीज नहीं हुई। अच्छा अंजू मुझे एक बार बताइए, आपका सर एमपीटेट वर्ग 3 में सिलेक्शन तो हो चुका है, ये तो हम बिल्कुल, मिठाई बांट दी हमने भी और आपने भी बांट दी। बात ये है कि मुझे थोड़ा शुरू से जी बताएं कि आखिरकार आपने, देखिए एक उम्र के बाद पढ़ाई का पड़ाव टूट जाता है कि भाई अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हमारी हिम्मत टूट चुकी है, अब हमारे बच्चे होंगे। तो आपको कैसी इंस्पिरेशन मिली कि आप जो है एक पत्नी और एक माँ होने के साथ साथ आपने इस जॉब को हासिल किया, तो ये इसमें क्या आपकी योगदान रहा, मुझे थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। जी सर। सर जैसा कि मेरी भी शादी जैसे गांव में, मैं भी पहले गांव से ही बिलोंग करती हूँ, जी तो मेरी भी शादी जैसे हाई स्कूल के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो जी उसके बाद जैसे शादी हो गई, मेरी बेटी भी थी जब मैंने शादी से पहले सिर्फ हाई स्कूल किया था। तो जी 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 उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा भी जैसे फॉर्म डलवा दो, आप मुझे भी इंटर करना है। तो जी 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 उसके बाद इंटर किया सर, सभी लोगों ने बोला टीचर ही बन जाओ, चल डीएड कर लो आप। मैंने डीएड भी किया। उसके बाद जैसे 2020 में वैकेंसी आई, तो सर बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे घर का काम भी रहता है, जैसे जी मैं जी एक जी बहू भी हूँ, जैसे सास ससुर भी हैं, घर जी में जी और भी हैं, और फिर इतना ज्यादा वो भी नहीं है, एक छोटा सा वो है, तो इतना ज्यादा नहीं है, कोई नहीं जाता बाहर, तो इतना यहाँ पे कोई इतना वो भी नहीं है। और फिर मैंने जैसे मेरे भैया हैं वो, उन्होंने बताया कि अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज के जी लिए, जी महिलाओं के लिए। तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने ही पहले मेरा सब्सक्रिप्शन वो किया था। जी जी उसके बाद से ही मैं मतलब अनअकैडमी से जुड़ी हूँ। उसके बाद ना मैंने किसी कोई किताब ली, ना मैंने कोई कहीं से दूसरा कोर्स किया, ना मैंने कहीं ऑफलाइन कोचिंग की, बस मैं सिर्फ जो जैसा अनअकैडमी के गुरुओं ने बताया मैंने उसी का मतलब उन्हीं को फॉलो किया है। जी। तो ये तो जैसा सर बात आप है। लोग बोलते थे कि काम, ये सर जी, बोलिए बोलिए। नहीं, जैसा कि जैसे आप लोग आप बोलते थे ना कि शाम को क्लास होगी, ये वाला टॉपिक रहेगा, तो मुझे जैसे मुझे खाना बनाना है या कोई काम करना, तो मैं उसको पहले ही कर लेती थी, जी जी उसके जी बाद जी फिर क्लास में। तो यही है, देखिए बहाने बहुत हैं, लेकिन निष्कर्ष और निकालने के लिए संघर्ष करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप कितना डेडिकेशन देते हैं वो मायने रखता है। अंजू जी मैं एक बात कहूंगा कि हर कोई आदमी उसकी उस ऊंचाइयों को देखकर खुश हो जाता है, जल जाता है कि भाई ये यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उसने अपने पैरों में कितने छाले डाले, कितने हाथों में छाले डाले हैं उसकी परवाह कोई नहीं करता है, सब सफलता को चूमते हैं। जी सर, अंजू आपकी बेटी भी है, तो वो बीच में, बेटी बेटी कितने वर्ष की है आपकी?
सर मेरी बेटी अभी 5 साल की है, जब मैंने शुरुआत की थी तब वो 2 साल की थी। तो आप देखो छोटी बेटी के साथ तो बड़ी समस्या रही होंगी आपको, कैसे इतनी छोटे बच्चे के नहीं साथ? सर, शुरू में समस्या रही थी सर, मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैंने फॉर्म डाल दिया है, पता नहीं मेरा क्या, लेकिन सर कोरोना की वजह से समय भी काफी मिल गया मिल था, जैसे गया 2 साल का समय मिल गया था। एमपीटेट लगभग डिले हो रहा था, मैंने भी बिल्कुल आपसे बोला बिल्कुल था कि सर पता नहीं एमपीटेट का तो होता पता ही नहीं, तो आपने बोला था एक बार क्लास में कि चलो ठीक है आपकी तो शादी भी हो गई है, कुछ लोगों की तो एमपीटेट के भरोसे शादी भी अटकी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि आपने, मैंने कहा ना सबसे जरूरी डेडिकेशन। तो ये एक पूरी कहानी है आप एक माँ की, एक बेटी की, एक बहू की, एक बीवी की, जिसने सारे काम करते हुए सब कुछ संभालते हुए दमदार तरीके से एक हासिल की सफलता। आप सोचिए हाई स्कूल के बाद शादी हो जाना, उसके बाद 12th करना, ग्रेजुएशन करना, बीएड करना। तो मैं तो आपके पति को भी नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अदरवाइज शादी के बाद तो लोग सोचते हैं कि चलो अब तो छोटू बात खत्म हो गए, ये बहुत बड़ी सही बात है। बात है सर, सच में उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ में, जैसे योगेंद्र कभी नाम है कभी ना घर आपके में। हस्बैंड का? हाँ अरे यहाँ सर मैं उन्हीं की आईडी से जुड़ती हाँ हूँ उन्हीं की, जो, मैंने नाम देखा उन्हीं की आईडी से जुड़ी है। तो योगेंद्र जी को मेरा नमस्कार और बहुत ही सफलता। ये सुना है मैंने कि एक सफल यस आदमी के सर पीछे एक महिला का हाथ हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, एक सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ भी हो सकता है, ये इस बात को तय करता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सच में ही इतनी, एक अच्छे पति का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका अच्छा फैमिली और सपोर्ट मिल जाए तो कोई क्या कुछ नहीं कर सकता, उसका एग्जाम्पल अंजू है। तो अंजू आप अपने साथियों के, जैसे आप अगर मैं बात करूं, जैसे आपने डिस्कस किया, श्रेय हमें भी दिया कि मैंने गणित पढ़ाया है, दीपक सर ने आपको सीडी भी हाँ पढ़ाया सर है, मैडम मैम ने हिंदी पढ़ाई है हिंदी पढ़ाया है, तो और सरद और सर है। बाकी सभी एडुकेटर्स ने कुछ ना कुछ आपके लिए योगदान दिया। और मैं तो पर्सनली आपको मार पीट के बोलता भी था, भाई यहाँ भी क्लास लेनी, यहाँ भी क्लास लेनी है, यहाँ यूट्यूब पे भी आओ, वहां पर भी आओ, हर जगह। सर मैंने तो आपकी हर जगह ली है, इसीलिए हाँ मैंने वही पूरी कह रहा हूँ, गणित की, क्योंकि मैंने मतलब मैथ की कोशिश मेरे की। पास जी कोई बुक भी नहीं थी और मैंने कोई भी जी प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आपके क्वेश्चन किए। तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिले, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि बेशक मैंने आपको चाहे नित्या पे पढ़ाया हो या हाँ नित्या क्लासेस, मैंने बहुत सारी क्लास ली थी, और चाहे यूट्यूब पे पढ़ाया हो, हर जगह आपने बिल्कुल बहुत हर अपने जगह को प्रूव करा। लिया मैंने। बिल्कुल। तो ये एक निर्देश आपको दिया जाता है, एक सोच बनाने पर मजबूर करता है कि भाई आपको अगर डेडिकेशन हो तो कोई भी समस्याएं, बाधाएं आपके जीवन में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। तो इसका एग्जाम्पल अंजू है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक प्रेरणा लें, गोल सेट करें कि जब एक 10 साल, भाई 10वीं के बाद अगर आप माने तो टोटल एज कितनी हो सकती है बच्चे की, मैक्सिमम 15 से 16 साल। ये सर मेरी शादी को भी लगभग 10-11 साल हो चुके हैं, हाँ मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, आज वही हाई तो कह रहा स्कूल हूं के मैं, बाद ही। एक छोटी बच्ची को देखते देखते ससुराल में बढ़ करके बड़ी हो गई, तो एक ऐसा लगता है कि मुझे एक छोटी सी एक फिल्म बनानी चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है ये, कि इतना आसान नहीं होता है सबके लिए कुछ कर पाना, लोग अपने हिम्मत को हार देते हैं। तो मैं सभी उन लोगों से अनुरोध करूंगा, सभी जितनी मेरी साथी हैं महिला लर्नर्स हैं, चाहे वो मेल लर्नर हैं, तो आप थोड़ा सा जरूर लें, अगर आपके अंदर जज्बा है तो नौकरी पाना इस समय मुश्किल नहीं है। कहते ना कि सरकार ने वो नहीं किया, वो नहीं किया, आया नंबर, देर से आया लेकिन आया ना, तो आएगा, बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो कोई आखिरी निर्देश अपने साथियों, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे साथी थे जो एमपीटेट में पास हुए, हुए तो हैं सर। जो रह गए हैं क्या उनके लिए हाँ कोई निर्देश देना चाहेंगी अंजू आप, जिससे कि वो भी इस पार होकर थोड़ा सा आगे बढ़े? सर, सर मेरा तो यही निर्देश है कि जैसे आप किसी भी टीचर को, किसी सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बस जरूरत ये है कि जो वो कह रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा करें जो वो बोल रहे हैं, ये नहीं कि सर ने बोल दिया चलो कुछ नहीं है, सर तो ज्यादा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है, जितना प्रैक्टिस करो, जैसे मैथ है बाकी भी सब्जेक्ट हैं, और उनको अच्छे से पढ़ो। और सर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि रेगुलरिटी नहीं कभी भी खत्म करनी चाहिए, आपको बिल्कुल हमेशा रेगुलरिटी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात को मैं भी हमेशा बोलता हूँ, भाई रेगुलर रहोगे तो मिलेगा और नहीं तो फिर यस चला जाएगा। तो इसी अंजू वजह से बहुत सर बहुत मैंने कभी आपकी 6:30 बजे वाली जो क्लास होती ना जी कभी जी भी मिस नहीं करी, मैं सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उसके पहले जी घर का पूरा काम पूरा कर लेती क्यों? थी, उसके बाद आपकी क्लास बैठ के फुर्सत से करती क्योंकि थी। मेरा भी क्या सीन है, मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, एकमात्र मैं ऐसा हूं जो उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे क्लास लेने के लिए, और 6 बजे बराबर इसलिए मैं लेता हूँ, स्पेशली मैंने क्लास इसलिए अरेंज की थी उस सुबह मॉर्निंग वाली, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है क्या कि बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, फिर उनके बच्चे उठ जाते हैं, तो इसलिए वो 6 से 7 रखा था, कि जिससे आप सब लोग अरेंज कर पाए। उसका फायदा आपको मिला, बहुत लोगों को फायदा मिला है, और ऐसे ही आप लोग सब फायदा लेते रहिए। और
ज्वाइन करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको भी, अब जैसे वर्ग दो है तो वर्ग दो में हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को वर्ग दो में भी सफलता दिलवाएं, बैच भी लेके आए हैं, पढ़ा रहे हैं हम भी लगातार, जी तो सर, उस पर भी बात करेंगे बाद में। तो अंजू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर जब वो जॉब लग जाती है तो अंदर एक ईगो भी आ जाता है, अब तो बन गई मैं टीचर, क्या प्रॉब्लम नो सर, नो, है। ऐसा कुछ नहीं सर जी। ये मेरा बहुत सौभाग्य था कि आप जैसे इतने बड़े टीचर के साथ मुझे बात करने का चलिए मौका मिला सर। और अगर जैसे आप जैसे गुरु ना होते मेरे जीवन में, तो सच में मैं कभी भी इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शब्द ही बस एक सब कुछ होता है टीचर के लिए, कि जब शिक्षार्थी इस तरह के शब्द देते तो वही से धन्य हो जाता है। तो बहुत बहुत तो सर धन्यवाद मैं अंजू बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, पहले मेरिट आई थी, जी उसके बाद जी ये अंतिम चयन सूची आई है, तो मैं बोल रही थी सबसे पहले सर को खुशखबरी दूंगी। नहीं, आपने मुझे मैसेज किया तुरंत, मुझे पता हाँ लगा, हाँ और फिर मुझे भी हाँ लगा कि मुझे आपकी जो थोड़ी स्टोरी है वो आपके लानी चाहिए और सभी साथियों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये सर जी, सर ये तो ठीक अंजू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सीमन दिया, और है जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कभी आवश्यकता होगी तो हम आपका जरूर एक इंटरव्यू और रखेंगे, जिससे कि बाकी साथी आपसे इंस्पायर हो पाए, या एक लेक्चर आपका मोटिवेशन जरूर रखेंगे, जिससे जी कि सर, आप सब लोग उससे जुड़े और आपके साथ जुड़ पाए। जी थैंक यू सर, अंजू, और अभी हम एक लिस्ट भी बना रहे हैं जहां पर हम कोशिश करेंगे आप सबको इकट्ठा करने की, जी ठीक सर, है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल द सर, वेरी बेस्ट, और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम अपने पेपर के लिए, बस मजबूती से जुड़ जाओ और लग जाओ तैयारी में। थैंक यू अंजू, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।